किसी भी अच्छे काम की शुरुआत गणेश पूजन से क्यों होती है? ये सवाल तो आपके मन में भी आया होगा। भगवान गणेश और उनके जन्म से जुड़ी कई कथाएं हैं, उनके अवतार से जुड़ी भी कथाएं हैं। गणेश पुराण के मुताबिक माँ पार्वती ने अपने महल से एक गण को जन्म दिया और उसे आदेश दिया, किसी को भी मेरे भवन में प्रवेश मत करने देना। इसी बीच भगवान शंकर वहाँ आए तो बालक ने उन्हें रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। फिर उनके बीच युद्ध छिड़ गया। बालक ने पहले शिव के सभी गणों और देवताओं को हराया। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा खुद लड़ाई में उतर आए, लेकिन वो दोनों भी हार गए। इसके बाद भगवान विष्णु के साथ शिव खुद लड़ाई में उतरे। विष्णु ने बालक का ध्यान भटकाया और शंकर ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। इससे क्रोधित माँ पार्वती ने अपनी शक्तियों से प्रलय ला दी और कहा, ये प्रलय तभी रुकेगी जब मेरा पुत्र जीवित होगा और उसे सर्वाध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर क्या था, भगवान शंकर के कहने पर सभी देवता उत्तर दिशा की तरफ निकले। उन्हें आदेश था कि जो भी प्राणी उन्हें सबसे पहले दिखे उसका सिर काट कर ले आओ। रास्ते में देवताओं को एक दांत वाला हाथी मिला, वो उसी का सिर ले आए और बालक को लगा दिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने न सिर्फ बालक को जीवित किया साथ ही वरदान दिया, त्रिलोक में सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी। लेकिन एक कथा तो संसार का चक्कर लगाने वाली भी थी ना? हाँ, गणेश पुराण के मुताबिक प्राचीन काल में किसी भी शुभ कार्य से पहले अलग अलग इष्ट देवताओं की पूजा होती थी। फिर जब विवाद बढ़ा तो मामला भगवान शिव के पास पहुँचा। भगवान ने एक प्रतियोगिता रखी और कहा, जो भी पहले संसार का एक चक्कर पूरा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। सारे देवता रेस में निकल गए, बस गणेश जी खड़े रहे। वो मूषक पर सवार हुए और भगवान शिव का एक चक्कर लगाकर बैठ गए। जब दूसरे देवता आए और पूछा तो गणेश जी ने तर्क दिया, सारा संसार शिव का ही प्रतिबिंब है। इस तरह गणेश प्रथम पूज्य बन गए। तीसरी कथा शनि देव से जुड़ी है, जिसके मुताबिक माँ पार्वती एक अनूठा पुत्र चाहती थी। पुण्य व्रत के बाद जब पुत्र हुआ तो सभी देवता उसे देखने आए। इसमें शनिदेव भी थे जिन्हें उनकी पत्नी का श्राप था, वो जिसे भी देखेंगे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उनकी एक नजर जैसे ही बालक पर पड़ी उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु खुद उत्तर दिशा में गए, एक हाथी का सिर काट कर लाए और बालक को जीवित किया, साथ ही वरदान दिया, आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। वैसे ये एक दंत गजानन वाले अलग अलग अवतार क्या हैं? गणेश पुराण और मुद्गल पुराण के मुताबिक हर युग में गणेश जी का एक अवतार हुआ है और हर अवतार के 8 रूप हैं। जैसे सतयुग में महोत्कट, त्रेता युग में श्री मयूरेश्वर, द्वापर युग में गजानन, कलयुग में धूम्रकेतु, इन सभी 4 अवतारों के 8-8 रूप हैं। एक सवाल और, ये गणेश जी की सूंड अलग अलग दिशा में क्यों होती है, कभी दाएं कभी बाएं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दाईं ओर सूंड होने का मतलब ये दक्षिणा मूर्ति है। सामाजिक बल बढ़ाने या किसी भी योग को सिद्ध करने की कामना रखने वाले लोग इनकी पूजा करते हैं। वहीं बाईं ओर मुड़ी सूंड हर घर में दिख जाती है, ये मानसिक शीतलता, सुख और आनंद के प्रतीक है। सीधी सूंड वाले गणेश जी संतुलन और ऊपर की ओर सूंड वाले गणेश जी अध्यात्म को जगाते हैं। मूषक के अलावा गणेश जी क्या शेर की भी सवारी करते हैं? मूषक पर सवार गणेश जी 2 तरह के हैं, एक दंत और 2 दंत। यहाँ एक दांत एकाग्रता और मूषक इच्छाओं का प्रतीक है, मतलब एकाग्रता के साथ इच्छाओं को नियंत्रित करना। वहीं 2 दांत वाले गणेश अभिमान, लालच और अज्ञान से उपजे मोह को नियंत्रित करते हैं। रही बात शेर पर सवार गणेश जी की, तो उनके 10 हाथ हैं और ये रूप ईर्ष्या की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। वहीं मोर पर बैठे गणेश कामुकता और छल कपट को रोकते हैं। गणेश जी की एक छवि 3 आंख वाली भी है जो मूषक पर सवार है, ये रूप गुस्से को नियंत्रित करता है। गणेश जी शेषनाग पर भी सवारी करते हैं जो अहंकार को रोकने का प्रतीक है। तो ये थी भगवान गणेश और उनसे जुड़ी कहानियाँ। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बधाई। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल दिल से डायलॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें।